Dear students, now we have to discuss the illustration number 5, and the question is, haloalkanes react with KCl to form alkyl cyanides as a main product, while AgCN forms isocyanide as a chief product. मतलब दोस्तों ये जो question पूछा गया है आपको वो complete the equation either conversions के अंदर बहुत important है. पूछा गया है KCl के साथ अगर reaction होगा तो साइनाइड कंपाउंड मिलेंगे और AgCN के साथ होगा तो क्या मिलेगा आइसोसाइनाइड. तो हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन दोस्तों, KCN इज द आयनिक कंपाउंड, AgCN इज कोवेलेंट कंपाउंड. KCN कैसा है दोस्तों, आयनिक है. AgCN कैसा है दोस्तों, कोवेलेंट है. दोनों में साइनाइड ग्रुप बनता है CN माइनस, एंड दिस साइनाइड ग्रुप हैव अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. आप देख सकते हो सी ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज था. ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ चला गया तो नेगेटिव चार्ज अब चला जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन के पास. अब याद रखो दोस्तों, जब केसीएन के साथ रिएक्शन होगा तो मेरे पास सपोज ऐसा कंपाउंड है CH3Cl, उसका अगर मैं केसीएन के साथ रिएक्शन करता हूँ तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें जो कार्बन है, नाउ इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग सी बॉन्ड सी, स्ट्रॉन्ग सी बॉन्ड सी विद दिस कार्बन. ये जो साइनाइड का कार्बन है वह कार्बन के साथ जो सी बॉन्ड बनता है कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग. याद रखो, ड्यू टू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कैन से दैट कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ एटम आर इलेक्ट्रॉन डोनर, दोनों के पास लोन पेयर अवेलेबल है. लेकिन जब KCN होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होगा कार्बन, और AgCN होगा तब इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होगा नाइट्रोजन. समझ में आई बात. तो यहाँ पे जब KCN के साथ लिखूंगा तो CN और KN मिलके यहाँ हो जाएगा प्लस KCl, और यहाँ मिलेगा CH3Cl. दिस इज योर साइनाइड. और अगर यही रिएक्शन दोस्तों AgCN के साथ किया जाए तो AgCl और Ag चल के माइनस क्या हो जाएगा, AgCl और यहाँ ज्वाइंट होगा CH3NC, जिसको हम बोलेंगे क्या, आइसोसाइनाइड. क्या होगा, आइसोसाइनाइड. तो दोस्तों आपको रिएक्शन में देखने का कि साइनाइड प्रोडक्ट पूछा है कि आइसोसाइनाइड, साइनाइड पूछा है तो KCN के साथ रिएक्शन करो, और आइसोसाइनाइड पूछा है तो किसके साथ रिएक्शन करो दोस्तों, AgCN. तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखो. KCN दिखाई दे तो साइनाइड लिखने का, AgCN दिखाई दे तो क्या लिखने का, आइसोसाइनाइड. रीजन ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है, दोनों के बीच में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. लेकिन KCN होगा तो कार्बन एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और AgCN होगा तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा. जब कार्बन डोनेट करेगा तो साइनाइड बनेगा, और नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा. तो इस तरह से दोस्तों आपको ये लिखने का है. थैंक यू.